बागवान बिरादरी ने जनाब अलहाज इलिया सेठ बागवान को टिकट ना मिलने पर कांग्रेस पार्टी से नाराजगी का इजहार किया और जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद की क्यादत में जीडीएस पार्टी को सपोर्ट करते हुए नासिर हुसैन उस्ताद को भारी अक्सरियत से जिताने का ऐलान किया। अपने खाने में पूरी तरह से महफूज रहता है, तो पहले मैं जहां से रुका था वो बात मुकम्मल कर लूं, फिर ये वाकया सुना। तो तमाम शहरिया ने गुलबर्गा ने ये देखा कि इलियास सेठ साहब को टिकट ना दी जाने पर, उनकी दिलाजारी करने पर, उनके जितने हवारीन हैं, उनके जितने रफीकेकार हैं, उनके जितने फॉलोअर्स हैं, उन तमाम ने डिसाइड किया कि अगर एक नौजवान की क़यादत को झुतलाया गया है तो अब दूसरे नौजवान को तलाश किया जाए। तो मशवरा करे लोग, तमाम हजरात एक दूसरे से मुशावरत करते रहे। मशवरों में हर जगह से एक ही नाम आया कि वो नौजवान क़यादत अगर कोई इस शहर गुलमर्गा की कर सकते हैं तो वो जनाब अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब जो है वो क़यादत कर सकते हैं। एक मुकाम पे एक चूढ़ा और एक चूड़ी एक टहनी पे बैठे हुए होते हैं। ये सुलेमान अलैहि सलाम के दौर का वाकया है। चूड़ा और चूड़ी टहनी पे बैठे हुए होते हैं, अचानक से चूड़ी की नजर पड़ती है एक बंदे पर, एक इंसान पर। तो चूड़िया कहती है चूड़े से कि देखिए जी एक इंसान आ रहा है। तो चूड़ा देखता है, देखकर कहता है होली ये जो इंसान आ रहा है ये इंसान बहुत ही नेक सिफत लगता है, ये दाढ़ी वाला है, ये मुत्तकी परहेजगार लगता है, ये दीनदार लगता है, ये हमें नुकसान क्या पहुंचाएगा, ये तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है, तो अपनी जगह आराम से बैठिए, हमसे हमको इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो चिड़िया जो है अपने चूड़े की बात सुन के उसी टहनी पर बैठ जाती है। वो शख्स जो है ना कुछ देर में उस टहनी के नीचे आ जाता है, आके ठहरता है। जैसा ही उसको मौका मिला चूड़े को छपट लेता है और जुबा करके भून के खा लेता। अब चूड़िया परेशान होती है कि मेरा चूड़ा इस पे एतबार करा, भरोसा करा, दीनदार है, अल्लाह वाला है बोलकर, लेकिन इसने तो इसको जुबा करके खा लिया। अब सुलेमान अलैहि सलाम के दरबार में हाजिर होती है वो और शिकायत दर्ज करवाती है। तो सुलेमान अलैहि सलाम बोलते हैं कि भाई जितने भी चरिंद परिंद को बनाया गया है इंसानों के इस्तेमाल के लिए ही बनाया गया है, शिकायत किस बात की है। तो चिड़िया कहती है शिकायत चूड़े का शिकार करने पर नहीं है, शिकायत इस बात पर है कि अगर वो आदमी चूड़े को पकड़ना था शिकारी का भेष पहन के अगर आता, शिकारी के लिबास में अगर आता तो मैं आपके दरबार में हाजिर नहीं होती। वो नमाजी के भेष में आके शिकारी का रूप इख्तियार करा, इसके लिए मुझे शिकायत है। तो सुलेमान अलैहि सलाम भी बोलते हैं कि हालात कुछ ऐसे हैं कि शिकारी भी जो है भेष बदल के आ रहे हैं, होशियार रहने की जरूरत है। तो आज के जो हालात में जो जलसा मुनक्कद किया गया है, ये जलसा जमीयत बागबान की तरफ से जन जन सेकुलर को ताईद और हिमायत का ऐलान का जलसा है। मैं इस बात के साथ साथ इस बात का भी ऐलान करना चाहता हूँ, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ ताईद और हिमायत का जलसा है, ये वो जलसा है जिसमें से जमीयत बागबान ने कांग्रेस से अपना इंतकाम लिया। कि ये जमीयत सिर्फ सलाम कर सकती है, जमीयत बागबान सिर्फ सलाम कर सकते हैं। कांग्रेस के लोगों को आज ये पता चल गया कि वो सलाम भी कर सकते हैं और वक्त पड़े तो गर्दन में हाथ धोकर गिरा भी सकते हैं। मैं आज इलियास बागबान साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि जमीयत बागबान ने आपके साथ की गई नाइंसाफी का इंतकाम ले लिया है। इंशाअल्लाह तो हमारे घर के अंदर नासिर हुसैन उस्ताद साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कराकर असेंबली में भेजेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि कल भी गुलबर्गा के फैसले दरबार बंदा नवाज से होते थे, हमारे मामले के फैसले किसी मल्लिकार्जुन खड़गे के दर पे नहीं होंगे, आगे भी दरबार बंदा नवाज से गुलबर्गा के मुसलमानों के और गुलबर्गा के फैसले किए जाएंगे। अगर कोई समझ रहा है कि गुलबर्गा का मुसलमान मेरी छोड़ी में आ गया, मेरी पॉकेट में आ गया, तो इस बात का ऐलान जमीयत बागबान करती है। कल भी मुसलमान मुत्तहिद था, आज भी मुत्तहिद है और हमने कमरुल इस्लाम के बाद नासिर हुसैन उस्ताद को
अपना कार्य चुन लिया है। इलियास बागवान साहब को फिर से एक मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने सुना था कि दामाद का मुकाम बेटे के मुकाम से बढ़कर होता है। आज रमेश बागवान ने साबित कर दिया इलियास बागवान के साथ जो नाइंसाफी की गई, रमेश बागवान ने आगे आकर एक बेटे का फर्ज अदा किया है और उसका इंतकाम लेकर आज इस बात का ऐलान किया जो जमीयत बागवान की नहीं, जमीयत बागवान ने उसकी नहीं। इंशाल्लाह ये अज़्म लेकर नौजवान उठे हैं, आपके बीच आए हैं, जो नाइंसाफियां आज तक जमीयत बागवान के साथ हुई उन नाइंसाफियों का मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह अगर आपका साथ रहा तो हम कांग्रेस पार्टी को देख एक भी कॉर्पोरेटर एक भी मेयर आज तक जमीयत बागवान का नहीं। मैं दावा करता हूं, मुझे मेरे दायित्व पर भरोसा है, जीता कर लाइए जमीयत बागवान का कॉर्पोरेटर भी इंशाल्लाह। जितने भी प्रॉब्लम्स गुलबर्गा में आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। हम नौजवान उठते हैं एक गुलबर्गा के अंदर पावरफुल फोर्स को बनाते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि आज तक जो हमारी माएं हमारी बहनें लोगों के घरों में बर्तन मांजने के लिए जाती है, कपड़े धोने के लिए जाती है, माओ बहनों आज के बाद जाने की जरूरत नहीं। आपका ये बेटा नाजिर हुसैन उस्ताद की शक्ल में हमारे साथ आकर खड़ा है। आप घरों में बैठिए, इंशाल्लाह काम करने का काम हम लोग करेंगे। इस बात का वादा आपके सामने करता हूं। आज अली जनाब अवेश बागवान साहब ने जो ताईद और हिमायत का ऐलान किया और मेरे भाई जैन बीजापुरी ने ताईद हिमायत का ऐलान किया, ज्वाइनिंग का ऐलान किया, मेरे उस्ताद मोहतरम के बेटे हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा के हाथ में मैंने तालीम हासिल की है, मेरे भाई हैं। मैं आप तमाम का दिल की अमीर कहरानियों से जनता दल सेकुलर में इस्तकबाल करता हूं। आइए 2018 के अंदर भी कमरुल इस्लाम की मौत का इंतकाम लेते हैं, 2019 में भी कमरुल इस्लाम की मौत का इंतकाम लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज वो ब्लैक गिरा रहे वो हमारे जो आज शेर कर्नाटक नाजर उस्ताद ने हमारे से वादा किया है, इंशाल्लाह हम जीतने के बाद बराबर करेंगे और हम बराबर जीता करेंगे, जरूर जीता गया। ये हमारे भगवान वादा है और हमारे हमारे एसोसिएशन सबका वादा है इसके अंदर कि हम नाजर उस्ताद के साथ बड़े गर्मान रहे और हमारे हर चीज़ की मदद करते रहे, क्योंकि हालात गुलबर्गा के आगे आने वाले हालात आप तो हालात जान रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा लीडर होना ज़रूरी है कि कौम के बीच में रहे और उसका काम करे, क्योंकि अगर ये बीजेपी की ताकत ही है तो मुसलमानों को किस तरीके से तकलीफ देना चाहता हूँ। आज से मुसलमान और
का टाइम है, आज पूरे तमाम दरवाजे के आवाम एक होने का टाइम है, एक होकर बीजेपी पार्टी को जवाब देना है और कांग्रेस को भी जो है ना मुंह तोड़ जवाब